नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 10 खबरें। मणिपुर हिंसा से जुड़ी 6 एफआईआर जो सीबीआई ने दर्ज की थी, उसमें से अब तक 10 गिरफ्तार हो चुकी है। वायरल वीडियो से जुड़े मामले में सीबीआई मामला दर्ज कर जल्द तफ्तीश शुरू करेगी। बाढ़ के बाद दिल्ली में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को सिया समुदाय ने 8वें मुहर्रम के दिन जुलूस निकाला। करीब 3 दशक के बाद ऐसा हुआ जहां सिया समुदाय ने भी ऐसा किया। राजस्थान के माउंट आबू में मूसलाधार बारिश होने की वजह से माउंट आबू से आबू रोड जाने वाले मार्ग पर मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम है। मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके कारण मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। विपक्षी दलों का गठबंधन अपनी तीसरी और इंडिया नाम मिलने के बाद पहली बैठक करने की तैयारी में है। बैठक अगले महीने यानी अगस्त के आखिर में 25 और 26 तारीख को होने जा रही है। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में थे। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की कहानी एक बार फिर से सभी के सामने परोसी जा रही है। डाकू वीरप्पन पर द हंट ऑफ वीरप्पन डॉक्यूमेंट्री सीरीज आ रही है। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 से 12 घंटे में ही बाहर होने वाले पुनीत सुपरस्टार का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया है। ऐसी टॉप 10 खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज। धन्यवाद।